Morning students. In last lecture, we had completed up to activity number six. Now let's see activity seven. Look at two drawings of endangered sea turtles. Compare the two drawings and write sentences that describe how they are different. Use the words you wrote and Some ways of comparing to describe four differences between these two turtles. यहाँ पे जो दो सी टर्टल्स की drawing दी गई है उन दोनों सी टर्टल में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है सो लेट्स द The जो है sea turtle is different from the green sea turtle in several ways first it has a large head with blunt jaws while the head of the green sea turtle is lizard like with a hooked beak and toothless jaw second one the carapace of the loggerhead sea turtle is a reddish brown color while the carapace of the green sea turtle is smooth third one the plastron of the loggerhead sea turtle is yellow while the plastron of the green sea turtle is yellowish white and the last one finally the loggerhead sea turtle has five pairs of coastal scutes with the first touching the nuchal scute Ask other classmates to find out what they think and write the results in the paragraph Now see the activity 9 the lion and the mouse One day a big strong lion was asleep. एक दिन एक बड़ा strong lion सो रहा था. Suddenly a little mouse ran right over his back. अचानक से अचानक से एक छोटा सा चूहा उसकी बैक पर से गुजरा. The lion woke up with a roar and grabbed the mouse. लायन गर्जना करते हुए उठ गया और माउस को पकड़ लिया ही वाज सो एंग्री दैट ही वाज रेडी टू बाइट द माउस इन हाफ वो इतना गुस्से में था कि वो माउस को खाने के लिए तैयार हो गया ओ प्लीज प्लीज डोंट बाइट मी सेड द लिटिल माउस छोटे से चूहे ने कहा कि मेहरबानी करके मुझे मत खाओ आई एम सॉरी आई वॉक यू प्लीज़ लेट मी गो मुझे माफ़ करो कि मैंने आपको जगा दिया मेहरबानी करके मुझे जाने दो द लायन सेठ वाई शुड आई लेट यू गो लायन ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ द माउस रिप्लाइड इफ़ यू डू समे वन यू नीड हेल्प आई विल हेल्प यू चूहे ने कहा कि अगर आप मुझे आज जाने दोगे तो किसी दिन अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं आपकी हेल्प करूँगा द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रोंग लायन बहुत ही बड़ा और स्ट्रांग था ही थॉट द आइडिया दैट द लिटल माउस कुड हेल्प हिम वॉज सो फनी दैट ही लाफ्ट आउट लाउड लायन ने सोचा कि ये जो छोटा चूहा है वो उसकी हेल्प करेगा वो बहुत ही फनी है इसलिए लायन जोर से हंसने लगा माउस सेड यू लाफ बट आई एम स्ट्रोंग टू चूहे ने कहा कि आप हंस रहे हो बट मैं भी स्ट्रोंग हूँ सम डे आई मे सो यू किसी दिन मैं आपको बताऊंगा The lion did not believe it, but the laughing stopped his angry feelings, so he let the mouse go. Lion wo मां nahi raha tha but वो हंसा और उसका जो अंगरेज़ था माउस के ऊपर वो चला गया और उसने माउस को जाने दिया. Some time later, some hunters caught the lion in a trap. थोड़े टाइम बाद थोड़े से शिकारियों ने लायन को पिंजरे में बंद कर दिया द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रोंग रॉप्स जो पिंजरा था वो बहुत ही मज़बूत रॉप से बना हुआ था द लायन वॉज वेरी स्ट्रोंग बट ही कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रोंग रॉप्स लायन बहुत ही स्ट्रांग था बट वो वो जो स्ट्रॉन्ग रॉप्स था उसको तोड़ नहीं सकता था ही बिगन टू फील अ फ्रेड वो डरने लगा ही सो दैट ही कुड नॉट एक्ट वो इतना डर गया था कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था ही स्टार्टेड टू क्राई वो रोने लगा जस्ट एंड द लिटिल माउस केम टू हिम उसी टाइम पे वो जो छोटा चूहा था वो वहां पे आया द माउस वॉज नॉट अ फ्रेड वो चूहा था वो डरा हुआ नहीं था जम्पड on द lion's बैक एंड began टू बाइट द ropes. वो लायन के बैक के ऊपर चढ़ गया और जो रॉप था उसको तोड़ने लगा ही He could hear द हंटर्स कमिंग उसने हंटर्स को आते हुए सुना बट ही बीट एंड बीट अंटिल द रॉप ब्रॉक वो तोड़ता ही रहा जब तक रॉक टूटा नहीं सडनली द लायन वॉज फ्री अचानक से लायन फ्री हो गया वो ट्रैप में से निकल गया नाउ लेट्स रीड द एक्टिविटी नाइन अगेन एक्टिविटी नाइन The Lion and the Mouse. One day, a big, strong lion was asleep. Suddenly, a little mouse ran right over his back. The lion woke up with a roar and grabbed the mouse. He was so angry that he was ready to bite the mouse in half. Oh, please, please don't bite me, said the little mouse. I'm sorry, I woke you. Please let me go. The lion said, Why should I let you go? The mouse replied, If you do, someday when you need help, I will help you. The lion was very big and strong. He thought the idea that the little mouse could help him was so funny that he laughed out loud. The mouse said, You laugh but i am strong too some day i may show you the lion did not believe it but the laughing stopped his angry feelings so he let the mouse go some time later some hunters caught the lion in a trap the trap was made of strong ropes the lion was very strong but he could not break the strong ropes he began to feel afraid he was so afraid that he could not act he started to cry just then just then the little mouse came to him the mouse was not afraid he jumped up on the lion's back and began to bite ropes